तो आज अक्षत की तबीयत यहाँ पे थोड़ी खराब हो रही है। कल क्योंकि ये पूरा दिन बाहर था क्लास अटेंड करने के बाद, और फिर क्लास खत्म हुई थी 1:10 पे, तो ये चला गया था अपने पापा के साथ बाहर काम से, और पूरा दिन वहीं लग गया इसको। तो इसको मैंने मैट पे लेटा रखा है, इसको थोड़ी सी हरारत सी लग रही है। कह रहा मम्मी मुझे फीवर लग रहा है, लेकिन फीवर चेक किया है, फीवर है नहीं। तो यहाँ ये मैट पे लेटा रखा है मैंने, इससे इस तरह का ये मैट है, इस पे लेटा रखा है। इससे थोड़ी अगर चोट वोट लगी हो, बहुत चीज़ों में ये काम देता है। तो भाई कुछ बोलो, हेलो तो कर लो। गाइस बता दो कल कहाँ कहाँ गए थे। कल चांदनी चौक गए थे। कल थोड़ा तेज बोलो। चांदनी चौक गए थे, वहां से पापा को सामान लेना था, तो पहले वहां ही सामान लेने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पहले हम लोग करोल बाग गए थे, तो करोल बाग में वो हमारे मतलब की आइटम नहीं मिली। तो पापा ने कहा, मेरे को लगा कि करोल बाग जाना है पहले, तो मैं चला गया। फिर पूरे दिन मेरे को जितनी बार आना जाना था, एक तो हम सदर मार्केट से निकले थे, और पीठ खड़े 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 बहुत एकदम कल दर्द ये होने कार में लगा, नहीं गए थे ना, ये कल गए थे स्कूटी पे गए थे, और पूरे दिन क्योंकि कुछ फंसने का खाया डर भी रहता नहीं। है रास्ते में ना, हैवी ट्रैफिक रहता है। पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था, हाँ, इस वजह से थोड़ी सी बस पानी पानी पानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी डिडू। आज ट्रेड ट्रेड ही दिया तो मैंने दे दिया, हाँ। और क्या बोल रही थी। इतना ही बोल रही थी। अच्छा, और यहाँ पे मैं चिच्चे की फैमिली से खेल रही हूँ। और करोल बाग गए थे, तो करोल बाग में नहीं मिला, तो मैंने कहा गाड़ी से चल लेते हैं। मैंने फिर कहा कि मेट्रो से चल लेंगे, मेट्रो में तो बैठ जाओगे, कुछ तो कर लोगे ब्रेक लगाकर, लेकिन मम्मी मना कर रही थी। तो फिर पापा, फिर हम वहाँ से पापा कह रहे कि चांदनी चौक चलते हैं। मैंने कहा चांदनी चौक, फिर पीठ दर्द होने लग गई, क्योंकि सीधी पीठ करके बैठना बैठना पड़ता है, और पीठ दर्द हो गई एक एक दो दो घंटा आने जाने का। और फिर पापा कह रहे कि मेट्रो से ही आगे होते, इससे अच्छा तो। फिर पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था, धीरे धीरे फिर सर दर्द चालू हो गया। रात तक तो ठीक था, अभी सुबह उठा तो हो रहा है सर दर्द, अभी लेटा हूँ। आज काम भी है दुकान में, लेकिन वो पता नहीं भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका पता नहीं है। और अभी देखते हैं, मिलते हैं आपसे बाद। सो गाइस, अब मेरे थोड़े सर में आराम है, और अभी मैं नीचे आया हूँ दुकान में, और आज भैया आए नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया ही था। और अभी शायद मैं देख रहा हूँ वाईपीएम ब्लॉग्स की स्टोरी, उन्होंने डाला है कि एप्पल ने M1 Max चिप का कोई नया लैपटॉप लॉन्च करा है, उसका मैं इवेंट देखने जा रहा था, क्योंकि कल ही रात को इवेंट हुआ है, लेकिन मेरे को पता नहीं था, क्योंकि कल मैं चांदनी चौक गया हुआ था आपको जैसे कि मैंने बताया, और वहाँ पे हमारा पूरा दिन वेस्ट हुआ। मेरा मेरा हो गया, पापा का नहीं हुआ, मैं परेशान हो गया एकदम। और पापा यहाँ सामने ही बैठे हैं, ये देख लो, और बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ मैं। और मम्मी ने बताया कि बहुत तगड़ी सेल चल रही है, कोई जी न्यूज पे आया है, अमेजोन की जो सेल हो रही है बहुत तगड़ी चल रही है, लैपटॉप फोन वगैरह एप्पल के आईफोन्स पे भी बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो वो भी मैं देख रहा था, कोई वेबसाइट है उस पर आ रहा है। और मतलब उनका बहुत बड़ा वो है, वेयर हाउस है, उसमें है उनका सामान वगैरह। और अभी बज रहे हैं 12:42, और अभी बैठा था मैं, दवाई वही मैंने खा ली अपनी, अभी देखते हैं क्या होता है आज। और 24 को करवा चौथ है, कल भी मेरी छुट्टी है, 24 को करवा चौथ, 4 डेट को क्या बोलते हैं दिवाली, 3 को छोटी दिवाली, और 2 को धनतेरस। और हमें लाइट भी लगानी है, लाइट्स में पहले उसमें आयरन करना पड़ेगा सब में, क्योंकि जो उसकी वायर है ना टूट गई है, जो उसमें जो ऐसे होता है डब्बा टाइप का, उसके उसमें से तार निकल गई है। तो पवन भैया जब आएंगे करवा चौथ के बाद, तो मैं उसको उससे पहले जुड़वाऊंगा, और जब हम लोग लाइट लगाएंगे तो मैं आपको उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगा। और जब हम डेकोरेट करेंगे चीजें वगैरह, उसका भी ब्लॉग दिखाया जाएगा आपको। और अभी आपको मिलते हैं हम खाना खाने के टाइम पे, बाय। तो गाइस, अभी मैं दुकान में आया हुआ था, मैं 4 बजे दुकान में आया था, अभी 7:30 हो रहे हैं, और कल मेरी छुट्टी है, और मेरे को दिया भी लेके आना है। मैम ने बोला है कि थर्सडे को हमारी दिया एक्टिविटी है, तो उसके लिए सबके पास दिया होना चाहिए, और उसको डेकोरेट करना है। और अभी पापा कुछ काम से गए हुए हैं, पापा को किसी कस्टमर का ऑर्डर है, तो
तो वो कुछ ठीक वीक करवाने गए हैं। और अभी मैं बैठा था, और ये जीरे वाले कीड़े होते हैं ना, मुंह पे गिर जाते हैं, बड़ा गंदा लगता है। ठंडियों का मौसम इसी लिए गंदा लगता है और कुछ ज़्यादा। जीरे जीरे वाले कीड़े होते हैं ना, बहुत गिर जाते हैं मुंह पे। और आज देखते हैं क्या बनता है खाने में। और आज दुकान में हूँ मैं, क्योंकि भैया आए नहीं हैं तो इसलिए। और अभी मैं देख रहा था ब्लॉग जैसा कि, और अभी लैपटॉप वैपटॉप भी चला ही रहा था। और क्या करें बात आपसे बताइए। सो गाइस, अभी मैं कर रहा था अपना स्कूल का काम, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बनाना था मेरे को दिया डेकोरेट करके, क्योंकि मेरे जो पोर्टफोलियो में ये सब ऐड होगा। और पिकॉक की शेप बना रहा हूँ मैं, मैंने दो दिए लिए हैं पर नीचे लगाकर। मैं इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं जो फोन से ही देख के इसको बना रहा था। और आज मैं आपको दिखाता हूँ। आए हैं मेथी, क्योंकि कल बनेंगे मेथी के पराठे, जो कि मेरे को और सोनी को सबको पसंद है, पापा को तो नहीं पसंद है बस। और ये है हमारा, ये इसमें अभी आंखें वगैरह बनेंगी जो ये सूख जाए। मोल्डेड क्ले का यूज करा है मैंने, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मैं ड्रायर से इसको सुखा रहा था, और मेरे को भी थोड़ा जुकाम हो ही गया है, गरारे करे थे मैंने। और आज जाना है हमें पार्टी में। पापा और मैं जाएंगे, और अभी पापा दुकान में डाले, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और सोनी नहीं जा रही है आज। बताऊँ क्या हुआ, एक सूरज भी है हमारे यहाँ, वो हमें सब्जी देके गए थे भंडारे की, तो कहीं हो रहा होगा भंडारा उनके यहाँ पर, तो वो सब्जी देके गए हैं। तो हाँ ठीक है, हमने कहा कि, मम्मी ने कहा कि मैं रात को पूड़ी पूड़ी बना लूंगी, पूड़ी खत्म हो गई थी उनके यहाँ, तो मम्मी ने कहा कि रात को पूड़ी पूड़ी बना लूंगी और खा लेंगे। तो इतने में दादी ने क्या करा, मैंने टेबल पे लाके रख दिया, फिर मम्मी ने रख दिया था उसको सही जगह पे। इतने में दादी ने क्या करा कि दादी ने, आंटी आई काम करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए। इतने में दादी ने आंटी को दे दी सारी सब्जी। तो अभी बात हो रही थी कि मैं कि अभी पूड़ी बना लूंगी जाकर, सब्जी तो पड़ा ही है आलू आलू उसकी। तो इतने देर में दादी बोली, अरे मैंने तो दे दिया उसको। तो फिर मम्मी कह रही कि, अरे मैंने उसको अपने खाने के लिए रख रखा था, उसको पूड़ी बनाती खा ली थी तभी तो आराम से बैठी थी। अभी बहुत सीन हो रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करी बना रहा था ना मैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता। सीन बहुत खतरनाक हो रहा था, खतरनाक के लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही थी, बातचीत बहुत तगड़ी चल रही थी। और अभी हमारे अभी कपड़े, आलू के पराठे आलू हैं तो बन रहे हैं, नहीं तो अगर हमें कुछ और बनाना होता, आलू नहीं होते तो बाहर जाना पड़ता, लेकिन बाहर तो बंद होते हैं। बंद तो नहीं होता है लेकिन। और अब हमें पार्टी में भी जाना है, देखते हैं पापा कब तक आते हैं ऊपर। और हमारे कपड़े बाहर निकल चुके हैं, दिखाता हूँ आपको, ये हमारे कपड़े हैं, ये सब हम लोग पहन के जाएंगे। और अभी मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। तो गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं और पापा भी रेडी हो चुके हैं। है बोल दो। हाय गाइस, अभी व्लॉग पहले वाला ही चल रहा है, और मैं भी हो चुका हूँ रेडी, वॉच वगैरह सब पहन लिया है। और अभी भी हम लोग गाना वाना प्ले करेंगे, और अभी पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरवाएंगे और फिर निकलते हैं हम लोग। और अभी घर में बना, जैसे कि आपको बताया था, और वो बना है फिर आलू का पराठा जाके उस पर। और पापा ने भी दादी का पहले, जैसे कि आपको बताया था कि अगर मैं पापा को बता दूंगा तो हो जाएगा काम 35, और वो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जिसकी किस्मत का था वो ले गया। नहीं फिर भी दादी की को गलती है, किया था। वैसे तो खैर कोई बात नहीं, दे दिया जिसके उनके नाम का लिखा हुआ था, चला गया। लेकिन थोड़ा सा मन वो हो गया, भंडारा रोज नहीं मिलता खाने को। हम लोगों को भंडारा इतना पसंद है, इतना पसंद है, घर में वो चीज नहीं बन पाती इसलिए। और जुकाम जुकाम, अभी चलते हैं। और मैंने गर्म पानी अभी पीना स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि अभी वहां पे नॉर्मली पानी होगा, इसलिए मैं कहा अभी बीच में अगर मैं नॉर्मल पी लूंगा फिर गर्म पी लूंगा तो फिर और जुकाम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं रात से आकर गर्म पानी पीना स्टार्ट करूंगा। अभी वहां पे जो होगा पानी वो पीना पड़ेगा इसलिए। और अभी चलते हैं, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल नहीं भरवा रहे, पेट्रोल होगा इस वाले लेफ्ट वाले पे, पेट्रोल होगा ताकि हम सीधा निकल जाए। हाँ लेफ्ट वाले पे भरवाएंगे ताकि हम सीधा चल जाए, क्योंकि अगर यहाँ से मुड़वाते ना तो हमें मुड़ के फिर से आना पड़ता, यहाँ से भरवा लेंगे, भरवा लेते पेट्रोल। Thank you.
हम लोग पार्टी से आ चुके हैं और बस आ गए हैं और हम लेट हो गए क्योंकि हम लोग पहुंचे थे वहां पे 9:30 बजे और वो कह रहे कि हमारा 7 बजे था डिनर, इतनी लेट आए हो, ये थोड़ी ना होता है, तो हो गया था थोड़ा। और अभी पहुंच चुके हैं घर पर, पहुंचने ही वाले हैं मतलब। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। फॉलो करना सब कुछ, आपको बता ही रखा है, इंस्टाग्राम टकाटक जोश ट्रेलर सबको फॉलो करना। और पिकॉक जो बनाई है मैंने दिया वाला, वो आपको कैसा लगा वो तो आप कमेंट करके बता नहीं पाओगे क्योंकि मेड फॉर किड्स में जाएगा, लेकिन आप मेरे को इंस्टाग्राम में बता सकते हो क्योंकि मैं उसकी जब फोटो पोस्ट करूंगा तो आप मेरे को बता सकते हो वहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।